देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मेन क्वेश्चन जो मतलब एग्जाम में आता है वो है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, वो उसमें अधिकतर जो आता है, चलिए वो तो आगे ही स्टार्ट करेंगे। इसके पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पहले देखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। तो देखिए, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर का मतलब क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का? ऑर्डर क्या होता है? जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ना, जैसे ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाली देखो, इसमें डेरिवेटिव होंगे अलग अलग ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, डेरिवेटिव होंगे ना। जैसे ये डेरिवेटिव रखा है फर्स्ट ऑर्डर का, ये डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर का, ऐसे भी कितने भी डेरिवेटिव हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है, जैसे यहाँ पे सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है? टू। तो जो इसका ऑर्डर है वही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। ये डेफिनेशन है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट डिफरेंशियल कॉफिशियंट अकरिंग इन इट। मतलब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मतलब उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। तो भाई इसका ऑर्डर कितना लग रहा है आपको? टू, और इसका है वन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा, इसका ऑर्डर टू है, तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर टू हो गया। ये बड़ा आसान है ऑर्डर निकालना। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के हम ऑर्डर बता सकते हैं। ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें आपको डिग्री। तो ये लाइन देखो, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन इट। देखो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर देखो। ठीक है, डिग्री मतलब पावर इसकी। जैसे इसमें सेकंड हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा, इसकी पावर यहाँ पे लगी होती है। अगर कुछ नहीं लगा तो पावर इसकी वन है, नहीं तो यहाँ पे टू भी हो सकता था। तो ये जो पावर में लगा है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये जो एक्सपोनेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, ध्यान रखना है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है वहीं से चीजें डिफाइन होती हैं। वो ऑर्डर पूछे या डिग्री। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टू है, इसकी पावर कुछ नहीं तो वन है, तो ये जो पावर है यही डिग्री। ठीक है, डेफिनेशन है इसमें लिखा ना, डिग्री या एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वही क्या कहलाता है? डिग्री। लेकिन डिग्री डिफाइन करने से पहले एक जो मेन पॉइंट है वो ये है, टू फाइंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, टू फाइंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी एक्सप्रेस्ड एज ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। मतलब डिग्री, यहां से ये चीज पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑर्डर तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन होगा। ठीक है, लेकिन डिग्री डिफाइन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। डिग्री डिफाइन करने से पहले आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा? एज ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। जैसे पॉलिनोमियल इन एक्स होता है, ये 2x² + 3x + 1, ये क्या बोलोगे आप इस एक्सप्रेशन को? ये एक्स में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स। पॉलिनोमियल इन एक्स बोलने का मतलब है, पॉलिनोमियल इन एक्स बोला है, ध्यान से, पॉलिनोमियल इन एक्स। तो जो एक्स है उसकी पावर हमेशा कैसी दिखेगी आपको उस एक्सप्रेशन में? नेचुरल नंबर। उसकी पावर अगर वो आ रहा है कहीं पे तो उसकी पावर आपको नेचुरल नंबर दिखेगी। उसकी पावर आपको पॉलिनोमियल इन एक्स बोला है तो जो एक्स है उसकी पावर हमेशा नेचुरल नंबर दिखेगी। उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी, ना नेगेटिव होगी। ठीक है, सिर्फ क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर, और जहां भी दिखे। ठीक है, और ठीक है, और जो एक्स में पॉलिनोमियल है, नहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं,
जो ये साथ में इनको बोलते हैं हम कॉफिशियंट्स, ये कैसे भी हो सकते हैं, 2 3 ये कॉन्स्टेंट टर्म, इसमें तो एक्स है ही नहीं, ठीक है। अगर एक्स है तो उसकी पावर नेचुरल नंबर दिखनी चाहिए, ऐसा एक्सप्रेशन, एक्स की पावर नेगेटिव ना हो, एक्स की पावर फ्रैक्शन में ना हो, और जो एक्स वाली टर्म्स हैं उनके जो कॉफिशियंट्स हैं ये वाले, वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं इन एक्स। ऐसे पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव का मतलब होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने भी डेरिवेटिव हो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, बहुत सारी वैरायटी के डेरिवेटिव होते हैं, किसी भी ऑर्डर के डेरिवेटिव हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और कितने भी हो, बस ये ध्यान देख रहा है कि उन डेरिवेटिव की जो एक्सपोनेंट है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है। ठीक है भाई, मैं एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्स डेरिवेटिव, और बाकी जो एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, वो कैसा भी हो सकता है, क्योंकि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव ना, ये नहीं कह रहा कि पॉलिनोमियल इन एक्स या पॉलिनोमियल इन वाई, ना, एक्स कैसे भी आ सकता है, एक्स की जगह साइन एक्स भी आ सकता है, एक्स की जगह लॉग एक्स भी आ सकता है, पॉलिनोमियल इन एक्स थोड़े देख रहे हैं, ठीक है, वाई की जगह लॉग वाई भी आ सकता है, लेकिन जो डेरिवेटिव आएंगे जैसे डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके, ठीक है, इसके साथ में यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है, 2 3 साइन कॉस कोई भी फंक्शन आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे में, ठीक है। लेकिन कभी ऐसे नहीं आना चाहिए, जैसे डेरिवेटिव है कोई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 टाइम्स आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 2 की जगह साइन एक्स आ गया इंटू, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव एक्स वैक्स होंगे उसमें, वाई होंगे, फंक्शन होंगे एक्स के वाई के, बस डेरिवेटिव वाली टर्म पे फोकस करना है, ठीक है। कभी कभी ऐसे दिखे लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इस टाइप की टर्म आ गई, ठीक है। तो ये अगर ये इस टाइप की कोई भी टर्म आती है डेरिवेटिव के साथ लॉग की कंपोजिशन है, तो जनरली हम क्या बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल का मतलब डेरिवेटिव के साथ किसी भी और फंक्शन की कंपोजिशन नहीं होनी चाहिए, डेरिवेटिव के साथ लॉग की, साइन की, एक्सपोनेंशियल की कंपोजिशन में होना ही नहीं चाहिए वो, ठीक है। अगर होगा तो हम उसको हम पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं बोलेंगे, अगर कोई भी टर्म ऐसी आ जाती है, और कभी कभी होता है, लेकिन हम ये जो साथ में लॉग की कंपोजिशन है इसको कभी कभी हटा देते हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके, अगर आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ये जो लॉग साइन लगा हुआ है डेरिवेटिव के साथ इनसे फ्री कर देते हो, मतलब डेरिवेटिव जितने भी डेरिवेटिव हैं सब कैसी दिखे इनसे फ्री हो जाएं, लॉग साइन कॉस, ठीक है, इनकी कंपोजिशन से, और उनकी पावर नंबर नेचुरल नंबर दिखे, तो अगर ऐसा बन जाता है तो हम बोलते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स है, तो उसकी डिग्री डिफाइन होगी, और डिग्री डिफाइन करने का तरीका क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट, ठीक है भाई। चलिए यही देखना है यहाँ से, चलिए जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपको दिख रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले इसको ध्यान से देख लो, इसमें ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑर्डर के लिए आप डेरिवेटिव देखो कितने हैं, तो ये डेरिवेटिव है, ये किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड, और ये डेरिवेटिव किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का, तो दो ही डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला, ये किस ऑर्डर का है, टू, तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो जाएगा, ठीक है। बात आएगी डिग्री की, अब आपको लग रहा है कि डिग्री के लिए तो उसको पॉलिनोमियल लुक देना पड़ेगा, ये पावर हटाने की कोशिश करते हैं, तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करोगे, यहाँ पे पावर 1/4 है तो दोनों साइड पावर 4 कर दो, ठीक है, दोनों साइड लेफ्ट में भी राइट में भी, तो कैसा बनेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 4 इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर 6, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो डेरिवेटिव आ रहे हैं उनकी पावर कैसी है, नेचुरल नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, कोई रूट वगैरह नहीं आ रहा है डेरिवेटिव के ऊपर, अगर आता तो हटाने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं हट पाता तो डिग्री नॉट डिफाइन, तो अब ये पॉलिनोमियल लुक है इसका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका जो एक्सपोनेंट है ये कितना है, 4, ये ही डिग्री है, इसको 6 को डिग्री नहीं बोलेंगे भाई, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो एक्सपोनेंट है, तो डिग्री कितनी है, 4, यहां से देखो उसको,
ठीक है, ऐसे आ रहा है तो इस तरीके से लिखा है। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सिंपलीफाई किया है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऐसे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन। देखो ऑर्डर के लिए तो देखने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर के लिए तो यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर वन रहेगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वन है दोनों जगह। बात आती है डिग्री, डिग्री के लिए आपको कुछ ऐसा लुक बनाया, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी, इसकी जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो टू है। आप बोलोगे यहाँ पे वन है तो, लेकिन जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगी सबसे बड़ी उसको हम डिग्री बोलेंगे, तो डिग्री कितनी आ गई टू। यहां से देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रही है, मैं लिख देता हूँ उसको, एक सेकंड देखो ऐसे लिखा है ये e की पावर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो। देखो ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहीं भी हो, तो यहाँ टू ऑर्डर का, यहाँ पे थ्री ऑर्डर का, e की पावर में कहीं भी हो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर ही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। बात आती है डी फोर डिग्री, डिग्री के लिए हम कोशिश करेंगे डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल, तो यहाँ तो डेरिवेटिव ठीक है, इसकी पावर नेचुरल नंबर है, और ये किसी के साथ लॉग साइन किसी ट्रिग्नोमेट्री लॉग एक्सपोनेंशियल के साथ कंपोजिशन में नहीं है, इसके साथ कोई मल्टीप्लाई हो सकता है, एक्स एक्स का फंक्शन वाई वाई का फंक्शन, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव वाली टर्म है ये ई की पावर में है, और इसको आप इसे फ्री नहीं कर पाओगे, आप फ्री कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, तो इसको आप पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं बना सकते, आप ई नहीं हटा पाओगे ये, ठीक है। तो अगर ऐसे होता कि ई पावर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, तो ऑर्डर तो थ्री था, लेकिन मैं इसको अब ई को हटा सकता हूँ कैसे, तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारा लॉग साइन एक्स, कितना लॉग ऑफ साइन एक्स। अब साइन एक्स के साथ तो साइन आए लॉग आए कुछ भी आए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, डेरिवेटिव वाली टर्म पर कुछ नहीं कंपोजिशन नहीं आनी किसी के साथ, ठीक है। तो अब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी पावर कितनी है वन, तो ये डिग्री है इसकी, ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसको हटा नहीं सकते आप, ठीक है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अगर हम यहाँ से देखें ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, तो भाई डेरिवेटिव बस यही है, इसका ऑर्डर वन है। बात आती है डिग्री की, तो हमने क्या किया डी वाई बाई डी एक्स के साथ साइन इनवर्स की कंपोजिशन है, ठीक है, तो थोड़ा गड़बड़ है, डिग्री डिफाइंड हो भी सकती है नहीं भी, कोशिश किया इसको हटाने की, इधर से हटा के ये एक्स प्लस वाई के साथ लग गया, और साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हमें यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन ही है, तो डी वाई बाई ये हमारा पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, ठीक है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वन है इसके एक्सपोनेंट वन, तो डिग्री वन होगी। सोचो अगर यहाँ पे ये जो एक्स प्लस वाई है इसकी जगह होता है, यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ मैं, और इसकी जगह होता ऊपर होता डी स्क्वेयर, मान लो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। अब इस साइन इनवर्स को आप हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर हटाओगे तो लेफ्ट में डी वाई बाई डी एक्स, और साइन उधर साइन इनवर्स राइट में जाके साइन ऑफ डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, और ये डेरिवेटिव वाली टर्म के साथ साइन लग जाएगा। तो डेरिवेटिव इन पॉलिनोमियल में हर डेरिवेटिव किसी भी ऑर्डर का हो वो किसी भी और के साथ कंपोजिशन में नहीं आना चाहिए, इधर से हटाई कंपोजिशन लेफ्ट से राइट में लग गई, तो भाई ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं होगा, तो बना नहीं सकते हो, तो इस केस में डिग्री नॉट डिफाइंड, लेकिन इधर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है क्योंकि इधर एक्स की टर्म थी, डेरिवेटिव नहीं था राइट में, तो डिग्री वन। यहां से भी ऐसे ही ऑर्डर तो वन है, डिग्री के लिए लॉग के साथ कंपोजिशन है, इसको हटाया तो ई की पावर में ये फंक्शन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, डेरिवेटिव थोड़ा ही था राइट में, तो ऑर्डर वन डिग्री भी वन। चलिए ठीक है, ये ऑर्डर और डिग्री की कहानी है, तो दो चीज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर
हर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है। डिग्री डिफाइंड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, दो चीजें हैं इसमें, ठीक है, जरूरी नहीं कि डिग्री डिफाइंड ही हो, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाएंगे, तो बनाने के लिए ये वाला क्वेश्चन जनरली तो अभी एग्जाम में कुछ जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उनमें कम आते हैं, का क्वेश्चन नहीं आता है जनरली, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आता है, सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, वो आता है। लेकिन इसको देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। आपको दिया क्या होता है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने में गिवन क्या होगा, गिवन क्या होगा, ए फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व एक फंक्शन ही है, कर्व ही है, उसमें एक पैरामीटर भी हो सकता है, विद वन पैरामीटर, टू पैरामीटर, थ्री पैरामीटर, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व में। तो करना क्या होता है, वो जो फैमिली ऑफ कर्व है, चलो पढ़ते चलो साथ में, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो कर्व है, टू रिमूव आर्बिटरी कॉन्स्टेंट फ्रॉम ए डिफरेंशियल इक्वेशन वी, देखो ऐसे, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए उसमें जितने आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है, उस फैमिली ऑफ कर्व में जितने आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है, एक दो या तीन, एक तो फैमिली ऑफ कर्व दिया रहेगा, ऐसे देखो फैमिली ऑफ कर्व, उसको जो भी दिया रहेगा वन मान लो। उसके बाद उसमें देखो कितने इंडिपेंडेंट आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है, जैसे ए बी सी कुछ इस टाइप से लगे होते हैं, जितने हैं उतनी बार डेरिवेटिव करना है, अगर एक है तो एक बार डेरिवेटिव करो, तो दो इक्वेशन बन गई, और इन दो इक्वेशन का यूज करके, एक तो फैमिली ऑफ कर्व, एक डेरिवेटिव करने के बाद, दोनों को सॉल्व करके पैरामीटर, जो भी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट मतलब पैरामीटर है उसको एलिमिनेट करो, ठीक है, तो और जो रिजल्टेंट बचेगा, एलिमिनेंट बचेगा, ठीक है, पैरामीटर को एलिमिनेट करने के बाद, उसी को हम रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। अगर भाई फैमिली ऑफ कर्व में दो पैरामीटर हैं, तो जितने पैरामीटर हैं उतनी बार डेरिवेटिव, तो एक बार डेरिवेटिव और फिर दूसरी बार डेरिवेटिव, तो तीन इक्वेशन बनती है यहाँ पे, ठीक है। इन तीन इक्वेशन का यूज करके आप, तीन यूज करो या दो यूज करो, तीन इक्वेशन ही यूज करनी है आपको, मतलब इससे ज्यादा नहीं आप डेरिवेटिव कर सकते हो, उतनी बार ही डेरिवेटिव करना होता है जितने उसमें आर्बिटरी इंडिपेंडेंट आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। उन तीन इक्वेशन को आप आपस में यूज करके जो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है, पैरामीटर है, उनको एलिमिनेट कर दो। जब तीन जितने भी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट पैरामीटर है एलिमिनेट हो जाएंगे, तो जो एलिमिनेंट बचेगा, ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन जिसमें पैरामीटर फ्री हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। ये कहानी है इसकी, ठीक है। चलिए जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें बोला है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल एलिप्स हैविंग एक्सिस अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब उसके एलिप्स की जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है भाई, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग ही है, ठीक है। तो अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस इस टाइप का एलिप्स है, एक्स एक मेजर एक्सिस होगी, एक माइनर एक्सिस, तो जो इलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है, तो बहुत सारे इलिप्स बन सकते हैं अलग अलग साइज के, तो वो इलिप्स की इक्वेशन किस टाइप की होगी, तो वो फैमिली लिखो पहले, उसमें कितने पैरामीटर हैं, फैमिली ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स, तो वो ऐसे लिखी जाएगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, वेयर ए एंड बी आर पैरामीटर, जहां पर ए और बी क्या है, पैरामीटर है, कितने पैरामीटर हैं, दो, ठीक है। तो हमें चाहिए, फैमिली ऑफ कर्व ने दिया था, हमने फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन लिखी पहली चीज, सब कुछ लैंग्वेज में था, हमने इक्वेशन बनाई, अब हमें चाहिए इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन,
ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट दो बार डेरिवेटिव करो, एक तो इसको फर्स्ट मान लो, तो एक पहली बार डेरिवेटिव करो ठीक है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 1 बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का डिवाइड बाई डी एक्स, 1 का हो गया 0। ठीक है भाई, ऐसे आ गए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, थोड़ा सिंपलीफाई करें और डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म लेफ्ट में रखो, बाकी राइट में ले जाओ, -2x/a² v²/2y, तो डी वाई बाई डी एक्स तो -b²/a² x/y, ये हमारी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है ठीक है। एक बार डेरिवेटिव, एक बार और डेरिवेटिव करो ठीक है ना, एक बार और करना है तो अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो मैं उससे पहले इसको ऐसे भी डेरिवेटिव कर सकता हूं, मैं ऐसे कर रहा हूँ, वाई को इधर ले ला रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स के साथ, तो वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -b² / a² x, तो उसको फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट में तो आप जिसका डेरिवेटिव करोगे इधर डी वाई डी एक्स और इधर भी डी वाई डी एक्स लगा दो, इधर प्रोडक्ट रूल लगा दो लेफ्ट में ठीक है, प्रोडक्ट रूल, तो वाई तो एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई डी एक्स, इसका डी वाई डी एक्स आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा d²y/dx² dy/dx of dy/dx, फिर प्लस dy/dx एज इट इज, y का dy/dx, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो dy/dx होल स्क्वायर। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, तो ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन ठीक है। अब ये तीन इक्वेशन है, ये वाली और ये वाली, इनमें से आपको ए और बी को एलिमिनेट कर देना है, तो मैं क्या करता हूँ, इससे और इससे ही काम हो जाएगा। कैसे, सेकंड से सेकंड वाली से b² a² की वैल्यू निकालो और वो वैल्यू यहाँ पे डाल दो, बस ए बी जो हाँ एलिमिनेट हो जाएगा, तो करो उसको। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी, मैं पहले इसको लिख रहा हूँ, y d²y/dx² प्लस dy/dx होल स्क्वायर, तो यहां से भाई वैल्यू निकालो -b² / a² तो -b² / a² और ये वाली वैल्यू आ जाएगी y/x ठीक है dy/dx, यहाँ पे रख दो y/x dy/dx, y/x dy/dx ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो xy d²y/dx² प्लस x dy/dx होल स्क्वायर इक्वल टू y dy/dx, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन मिला है ये आर्बिटरी कांस्टेंट ए और बी नहीं है, इसमें नहीं है ना इसमें, तो इस एक्सप्रेशन को ही हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। अब मैच करा लो आंसर, xy d²y/dx² है कहीं पर, xy d²y/dx² और प्लस का dy/dx, y dy/dx प्लस का नहीं है, ये नहीं है, ये वाला देखो, ये वाला मैच करेगा,
एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, राइट में वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये ठीक है। तो सी सी आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारा, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखेंगे। तो हमारे दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। ए सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, और आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कितने होते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में? आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ऑफ सेम नंबर इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। देखो जो जनरल सॉल्यूशन होता है ना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें पैरामीटर्स होते हैं आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, पैरामीटर्स है, उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। और कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होते हैं? जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, ये फिक्स है, होता है, ठीक है। बात होती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये वाला जनरल हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड व्हेन वी असाइन सम वैल्यू टू दोज आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, अगर भाई वो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है ए बी सी जितने भी है, अगर उनकी वैल्यू फिक्स कर दें, तो मान लो ए बी दो थे, ए वन डाल दिया, बी जीरो डाल दिया, कुछ भी फिक्स कर दें, ठीक है, तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा उसके बाद उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन बहुत सारे निकाल सकते हो वैल्यू डाल डाल के, ठीक है। तो ठीक है, बस इतना ही है इसमें। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। जितने आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट होते हैं, और मतलब जितना ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उतने ही उसके सॉल्यूशन में इंडिपेंडेंट आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा जो मेन टारगेट है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, यही हमारे सिलेबस में होता है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। तो इसमें जो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, एक तो आता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है, और एक होता है, देखो वेरिएबल सेपरेबल में दो तीन टाइप हैं, T1 नॉर्मल, मतलब जो देखते ही आप उसको वेरिएबल सेपरेबल पता लग जाएगा आगे करने वाले, T2 T3 आपको डायरेक्टली वो वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा, लेकिन उसको हम वेरिएबल सेपरेबल में क्या लिखते हैं, उसको हम रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है भाई। और दूसरा टाइप होता है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके बाद आता है वो कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जो होमोजीनियस नहीं होती, लेकिन उनको होमोजीनियस में रिड्यूस कर देंगे हम और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। एक होती है लीनियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक होता है कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होती, लेकिन उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूसिबल टू लीनियर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उनको हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ये वाला पार्ट, ये वाला भी आइस, ये वाले सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद होमोजीनियस के क्वेश्चन भी आए हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इसके क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जैक्ट, तो ये करते हैं, इसमें पहले वेरिएबल सेपरेबल देख लेते हैं, देखते चलते हैं। तो सबसे पहले है हमारा वेरिएबल सेपरेबल, तो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी दिखेगी भाई? इसमें देखो ऐसी दिखेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, आप क्या करोगे, आप ऐसे देखो, ऐसे हो जाएगा उसमें, उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे कि भाई dx के साथ तो आ जाए x की टर्म, dx के साथ x वाली टर्म्स, और dy के साथ y वाली टर्म, ठीक है भाई, इक्वल टू, मतलब लेफ्ट में x वाली टर्म वो dx के साथ, राइट में y वाली टर्म dy के साथ, इसी को ही बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल, मतलब सेम टाइप के वेरिएबल सेम साइड में आ जाएंगे,
इधर एक्स के आ गए, उधर वाई के आ गए, ठीक है ना, यही वेरिएबल सेपरेबल। अगर ऐसा हो जाता है ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, उसको दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट और इंटीग्रेट करके दोनों साइड, एक साइड में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा के फिर उसको हम क्या करेंगे, फिर इंटीग्रल को सॉल्व करके हमारा उस इक्वेशन का सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर वाली, तो एक ही आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आता है उसमें, ठीक है भाई। तो इनका जो पहला मेथड है हमारा यही है, टाइप वन वालों का जनरल सॉल्यूशन कैसे आएगा इसका, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ अभी, अपने हिसाब से लिख देते हैं ना, ये फॉर्म ज्यादा अच्छी लगती है इसमें लिखने में। इसको हटाओ, इसको हटाओ उधर से, और इसको हटाओ, और इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। इसमें दोनों साइड इंटीग्रल करके ऐसे आ गया, इधर ऐसे आ गया, और एक साइड में सी लगा देना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये नॉर्मल है, ठीक है। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी तरीके से सॉल्व करके आई हो, लास्ट में वो वेरिएबल सेपरेबल ही बनती है। चलिए जैसे क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो कर्व है इस पॉइंट से जा रहा है, एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो कर्व क्या है। तो भी कहने का मतलब है हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए कैसे करते हैं, ये रखिए, तो अभी हमने देखा क्या वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं या नहीं, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे है। तो मैंने इस टर्म को, ये जो राइट साइड है, इसको ऐसे लिखा, e पावर एक्स इंटू ई पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस वाई, ई पावर माइनस वाई कॉमन राइट से, ई पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये राइट वाला पार्ट चल रहा है अभी, ये राइट में इसको लिखा, ये ऐसे आते हैं, और ये डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर है डी वाई बाई डी एक्स, इसको देखो और इसको देखो, बराबर है। तो ये जो वाई वाली टर्म है ये तो ले जाता हूँ डी वाई के साथ, और डी एक्स को ले जाता हूँ एक्स वाली टर्म के साथ। बस देखो ये ई पावर माइनस वाई, वाई को लिखा वन बाई ई पावर वाई, और ये इधर आ गया, तो लेफ्ट में ई पावर वाई डी वाई, राइट में आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है भाई। हो गया ना वेरिएबल सेपरेबल टाइप वन, ठीक है, दिख गई है, थोड़ा सा कॉमन वोमन लिया, सिंप्लीफाई किया, दिख गया, हो गया। अब इंटीग्रेट कर दो, तो दोनों साइड इंटीग्रल लगाया, एक साइड में हम क्या लगा देंगे, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे कहीं पर, तो ई पावर वाई का इंटीग्रल वाई के रेस्पेक्ट में, ई पावर वाई जैसे ई पावर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में ई पावर एक्स होता है, ई पावर वाई का वाई के रेस्पेक्ट में ई पावर वाई, ठीक है, और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री, और प्लस सी। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, इसमें वन पैरामीटर सी है। और ये जो कंडीशन लिखी होती है ना, ये कि जो कर्व है हमारा किसी पॉइंट से पास कर रहा है, ये इनिशियल कंडीशन है, इसका यूज करके हम जो पैरामीटर है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है जो, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब ये जो पूछा है ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इनमें से देखना है। तो 1,1 से पास करा दिया इसको, 1, एक्स की जगह 1 रखा, वाई की जगह 1 रखा, तो यहाँ पर आएगा वाई की जगह 1, एक्स की जगह 1 रखो हो गई ई, यहाँ एक्स की जगह 1, तो सी की वैल्यू आ गई -1/3, वापस डाल दो यहाँ पर, तो ये कर्व आ गया हमारा भाई। ये वो कर्व है, ठीक है, जो 1,1 से जा रहा है, ठीक है, और जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये। देखो वेरिएबल सेपरेबल टाइप टू, टाइप टू वाली डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होती है, जैसे ऐसे लिखा है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब इधर राइट में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का फंक्शन है, ठीक है, बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी जीरो हो गया तो फिर वाई खत्म हो जाएगा, फिर ये तो एक्स का ही बचेगा, फिर तो वेरिएबल सेपरेबल हो ही जाएगी, रिड्यूस करने की क्या जरूरत है।
ये जो टाइप है ये है रिड्यूसिबल टू हम वेरिएबल सेपरेबल। तो अगर B0 है दिस इज डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल, तो भाई क्या करेंगे इस टाइप की इक्वेशन को, अगर ये इधर AX+BY+C का फंक्शन है, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे जहां दिखे एक्स वाई इसी टाइप के एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, तो हम उस AX+BY+C को T सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है, हम उसको वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस कर देते हैं। कैसे, देखो ये वाला, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ये ऐसे है, dy/dx a²/x+y² तो क्या कहते हो उसमें, वेरिएबल सेपरेबल तो डायरेक्ट नहीं कर सकते आप किसी भी तरीके से, लेकिन जो फंक्शन आ रहा है इधर वो x+y का फंक्शन है, ठीक है, तो x+y को t मान सकते हो। ऐसे भी आता है कभी कभी, dy/dx=2x+3y+1 और 2x+3y+4, तो यहाँ भी ये 2x+3y का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ भी 2x+3y, नीचे भी 2x+3y, तो हम t कर लेट कर सकते हैं 2x+3y, और आगे फिर ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। ये जो प्रोसेस है हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया है, सब्स्टिट्यूशन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम, अगर आपको कहीं पर, अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं मैं आगे बताऊंगा, जनरल सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, यहाँ तो दिख रहा है, ठीक है, हमने टाइप पढ़ लिया है, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो और आपको एक फंक्शन दिखे x+BY+C, ठीक है, जरूरी नहीं सी आए AX+BY का हो, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। एक जनरल सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, वो जनरल सब्स्टिट्यूशन ऐसे होता है आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो एक फंक्शन आ रहा है, कुछ फंक्शन कोई भी एक्सप्रेशन, और कहीं ना कहीं उस fx का डेरिवेटिव भी दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, और आपको कुछ नहीं दिखेगा क्या करें, तो फंक्शन उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो fx को t मान के आप उसको फिर वो बा आगे जाके फिर किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए x+y को t मानो, अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो x का डेरिवेटिव 1, y का dy/dx, t का dt/dx, यहां से dy/dx की वैल्यू निकालो, dt/dx -1, और ये वैल्यू यहां पे रखो, तो x+y² यहां तो आ जाएगा t², dy/dx की जगह dt/dx -1 a², ठीक है, इसके बाद देखो t² अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये कुछ ऐसे आएगा, t² dt/dx - t² = a², ठीक है, तो t² dt/dx, अब ये t और x है मेन वेरिएबल यहाँ पे, t और x उधर हो गया a² + t², कौन कौन से वेरिएबल है, t और x, अब t और x में वेरिएबल सेपरेबल है देखो, तो कांस्टेंट है, t² वाली टर्म dt के साथ ले जाओ, तो t² अपॉन में a² + t² dt, आ गई t² वाली टर्म dt के साथ, और x वाली टर्म, x वाली है नहीं तो dx उधर रखो, हो गया ना वेरिएबल सेपरेबल। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करो, एक साइड c लगा दो, ठीक है भाई, अब यहां पर इंटीग्रेट किया दोनों साइड, नीचे a² + t है तो ऊपर प्लस का a² किया, माइनस का a² किया, तो ऊपर करोगे ना t² + a - e², फिर अलग अलग करोगे तो 1 - a² / a² + t², ठीक है, ऐसे बन जाएगा अंदर, फिर इंटीग्रल करेंगे हम,
एक साइड में सी लगा लो कहीं पर, वन का हो गया टी के रेस्पेक्ट में, टी ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर है, ए स्क्वायर को तो बाहर रखो और इसको ऐसे लिखो ना, ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर है, इसका आता है वन बाई ए टैन इनवर्स टी बाई ए, एक एक कैंसिल होके ए टैन इनवर्स टी बाई ए, राइट में एक्स प्लस सी, बस हो गया। टी की वैल्यू डालो, टी किसको माना था, एक्स प्लस वाई को, तो वैल्यू डाल दो यहाँ पर और सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, हमारा सॉल्यूशन आ गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल सेपरेबल टाइप थर्ड, तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, देखो ऐसे लिखा है, ऊपर भी कुछ एक्सप्रेशन है एक्स वाई का, नीचे भी है, सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा क्योंकि इस टाइप का एक्सप्रेशन नहीं है, ये सब अलग अलग दिखेंगे आपको। ठीक है, मान लो ऐसे आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x + y + 1 x + y + 2, तो आप सब्स्टिट्यूशन, आप बोलोगे ये वेरिएबल सेपरेबल है, नहीं है वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, आप सोचोगे बना ले तो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं बनेगी, आप इसमें सोचोगे सब्स्टिट्यूशन कर दे, क्योंकि एक्स वाई का जो एक्स और वाई वाला एक्सप्रेशन है वो सेम नहीं है। ठीक है, नहीं तो उसको टी मान लेते। अब एक और टाइप है, ठीक है, अब इसमें ना देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दें और सॉल्व कर लें, ये गिनी चुनी है जो यूज हो रही है वही हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए चलिए भैया, देखो अब इसमें क्या है कि यहाँ पर ऊपर वाई का कॉफिशियंट और नीचे एक्स का कॉफिशियंट, उन दोनों का सम अगर जीरो है, ठीक है भाई, उन दोनों का सम अगर जीरो आ जाए, किस किस का, बी ऊपर वाई का कॉफिशियंट नीचे ए का, B1 + A2 अगर जीरो आ जाए, ठीक है भाई, मतलब ये जो B1 और A2 है इनका साइन अपोजिट मैग्नीट्यूड सेम, बस ये वाली चीज, तो हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कैसे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड नोट दैट परफेक्ट डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, इंटीग्रेट टर्म बाई टर्म, इससे क्या होगा, देखो इस टाइप में क्या बनेगा, एक ये टर्म बनेगी एक्स डी वाई राइट में प्लस वाई डी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो ये हमारा होता है डी एक्स वाई, क्या होता है डी एक्स वाई, ऐसे कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जहाँ पे इस टाइप की चीजें हम यूज करेंगे। ठीक है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को क्या लिखोगे, डी एक्स वाई, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें यहाँ पे देखा ये -3 ये 3, तो -3 + 3 0, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी वाई के साथ जाएगा ये 3x - 2y, डी वाई के साथ, तो 3x dy - 2y dy, और dx जाएगा इधर 4x - 3y के साथ, तो 4x dx - 3y dy, ठीक है, अब क्या होगा, ये वाली टर्म जो यहाँ पे ये और ये इनके कॉफिशियंट्स का सम जीरो है, उन टर्म को देखो, तो ये 3x ये रही और उधर ये वाली टर्म -3y dy, ये वाली, इनको इकट्ठा कर लो एक साइड में और बाकी को एक साइड में कर दो, ठीक है, तो 3x dy और ये 3y dx इधर लेके आओ, तो 3x dy + 3y dx, 3 कॉमन लेके x dy + y dx, ये बनना ही बनना है इस टाइप में, फिक्स है,
और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, डी डी ऑफ एक्स वाई। आगे बचा क्या, ये वाली टर्म राइट में भी ले जा सकते हो या लेफ्ट में रखो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बचा -2y डी वाई, मतलब डी वाई के साथ वाई वाली टर्म, और ये डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म। ठीक है, ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी एक्स के साथ एक्स वाली, डी वाई के साथ वाई वाली टर्म, ये क्या है, इसकी जगह लिख दो डी एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखना है, यहाँ के बाद अगर मैं बोलूँ आपसे 1 dx तो आप क्या आंसर करोगे, एक्स इंटीग्रल 1 dy तो आंसर क्या करोगे, वाई। मैं बोलूँ 1 d ऑफ एक्स वाई तो आंसर क्या करोगे बताओ, ना dx ना dy, d ऑफ एक्स वाई तो आंसर क्या करोगे आप, क्या करोगे, ऊपर देखो नीचे क्या करोगे। जैसे 1 का x बोल देते हो, ऐसे ही 1 का x के रेस्पेक्ट में x होता है, 1 का y के रेस्पेक्ट में y होता है, इंटीग्रल एक्स वाई के रेस्पेक्ट में एक्स वाई होगा। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो ये वाला आ जाएगा हमारा, जब इंटीग्रेट करोगे 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ डी एक्स वाई 1 dx y -2 इंटीग्रल ऑफ वाई डी वाई -4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल ऑफ 0 0 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो राइट में। 1 का डेरिवेटिव, 1 का इंटीग्रल एक्स वाई के रेस्पेक्ट में हो गया एक्स वाई, और -2 ये आ जाएगा 3 xy, -2 वाई का हो जाएगा वाई के रेस्पेक्ट में y² / 2, एक्स का हो जाएगा इंटीग्रल x² / 2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, 3 xy -y² -2x² = c, ये है भी हमारा सॉल्यूशन। और ठीक है, और ये कह रहा है इफ द सॉल्यूशन कर्व ऑफ दिस इक्वेशन डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, और जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, सॉल्यूशन क्या है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, मतलब ओरिजिन उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मत इसका मतलब सी नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सी नॉट इक्वल टू 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सेकंड डिग्री कर्व है, सेकंड डिग्री कर्व हमारा क्या होता है भाई, ऐसे होता है ना, सेकंड डिग्री कर्व x² a² + b² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, इससे कंपेयर करके ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकालो, तो यहां से x² का कॉफिशियंट, यहाँ ए है, यहाँ पर -2 है, इसको ऐसे लिख लो -c = 0, ए का कॉफिशियंट -2, y² का कॉफिशियंट b, और इधर -1, निकालो ये वैल्यू। h xy का कॉफिशियंट 2h, यहाँ पर 3, 2h = 3, h = 3/2, बाकी ना x है ना y है, तो g भी 0 एफ भी 0, और सी की जगह हमारा आएगा माइनस। ठीक है, तो डेल्टा निकालते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या फिर सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। अगर डेल्टा आ गया 0 तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो क्या रिप्रेजेंट करेगी, फिर ये कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकती है, कोई भी कॉनिक, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। डेल्टा को देखते हैं, डेल्टा हम कैसे निकालते हैं, ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच
माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर। ठीक है, वैल्यू डालोगे ए बी सी, ए माइनस टू इंटू माइनस वन टू, माइनस टू सी, टू एफ जी एच ये तो जीरो है, माइनस ए ए माइनस टू तो प्लस का टू एफ जीरो, ये भी टर्म जीरो, बी जी ये भी जीरो, सी एच स्क्वेयर तो माइनस सी की वैल्यू माइनस सी तो प्लस सी, एच की वैल्यू एच स्क्वेयर 9/4। तो ये जो आएगा हमारा माइनस का 2c प्लस 9c/4, ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो आएगा क्योंकि c नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, इनमें से कुछ होगा। फिर हम देखते हैं अगर हमारा एच स्क्वेयर इक्वल टू ए बी आ गया तो क्या होता है, पैराबोला एच स्क्वेयर लेस देन ए बी एलिप्स, और एच स्क्वेयर ग्रेटर देन ए बी हाइपरबोला। तो एच स्क्वेयर की वैल्यू देखो कितनी है, एच स्क्वेयर कितना बनता है, एच स्क्वेयर तो होता है 9/4, उधर ए बी भी निकालो, ए बी आता है हमारा माइनस टू इंटू माइनस वन टू, तो क्लियर है एच स्क्वेयर ग्रेटर देन ए बी, तो ये भाई हाइपरबोला है। तो क्या है, हाइपरबोला है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन आ गया इसका। चलिए अब हमारी नेक्स्ट टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ऐसे इधर कुछ लिखा होगा, ठीक है, मैं अभी ऐसे ले रहा हूं, मान लो ये लिखा है एफ ऑफ एक्स वाई, और नीचे एच ऑफ एक्स वाई, कुछ एक्स वाई के फंक्शन। देखो अगर यहां पे जो ये एफ ऑफ एक्स वाई है ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, और एच ऑफ एक्स वाई ये भी होमोजीनियस फंक्शन है सेम डिग्री का, ठीक है भाई, तो दोनों हमारे होमोजीनियस फंक्शन है। कैसे चेक करते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई होमोजीनियस है, कैसे चेक करेंगे, एक्स की जगह लैम्डा एक्स डाल दो एफ एक्स वाई में ऊपर वाले में, और वाई की जगह लैम्डा वाई, अगर वो कुछ इस टाइप से आ जाता है लैम्डा पावर एन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एन यहाँ पे नेगेटिव या फ्रैक्शन में भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं इंटीजर हो, ठीक है, अगर ऐसे आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं जो एफ एक्स वाई है इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। ऐसे ही एच एक्स वाई को देखेंगे, एच एक्स वाई में एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई, अगर वो कुछ ऐसे आ जाता है लैम्डा पावर एन एच ऑफ एक्स वाई, तो हम बोलेंगे भी एच एक्स वाई भी होमोजीनियस फंक्शन है एन डिग्री का, दोनों एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होती है। अगर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों फंक्शन कैसे हो, होमोजीनियस हो सेम डिग्री के, ठीक है भाई, तो कैसी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये तो हो गया इसका थियोरटिकल मेथड। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, देखो होमोजीनियस अगर है ये तो मैं क्या करता हूँ, चेक जल्दी चेक हो जाता है। कैसे चेक होगा, ऊपर से ऊपर वाले से एक्स की हाईएस्ट पावर कॉमन निकालो, नीचे वाले एक्सप्रेशन से एक्स की हाईएस्ट कॉमन निकालो और उनको कैंसिल कर दो। अगर राइट में ये राइट में जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, जहां भी दिखेगी आपको वाई बाई एक्स ग्रुप, वाई और एक्स वाई बाई एक्स के ग्रुप में आएंगे, वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स होल स्क्वायर, वाई बाई एक्स होल क्यूब, ठीक है, एक्स और वाई सेपरेट नहीं दिखेंगे, वाई बाई एक्स के ग्रुप में आएंगे, तो हम उसको बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डायरेक्ट है, कोई भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या तो भाई वो ऐसे बनेगी डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो और नीचे से और कैंसिल कर दो, तो इस टाइप का लुक आ जाएगा। और उसके बाद हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं,
वाई बाई एक्स को आप वी रख दो, या वाई को ये सब्सटीट्यूशन है वाई इक्वल टू वी एक्स डाल दो, ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई की जगह तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आएगा, तो डी वाई डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो यहाँ राइट में प्रोडक्ट रूल लगाओ, वी ऐसे ही एक्स का वन हो गया प्लस एक्स वी का डी वी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये डालेंगे और वाई वी एक्स, और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो कभी कभी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये या तो पहले से ही, या ये कैसे कन्वर्ट हो जाती है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई वाई की टर्म में होती है, पहले से ऐसी होगी, जहां भी दिखे एक्स बाई वाई का ग्रुप होगा, एक्स बाई वाई होल स्क्वायर इस टाइप की टर्म दिखेगी, तो अब उसको भी हम होमोजीनियस बोलते हैं, क्योंकि भाई एक्स बाई वाई क्या है, वो वन बाई वाई बाई एक्स ही तो है, ये दोनों चीजें सेम ही हैं। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन को दो तरीके से ट्रीट करते हैं, या तो उसको वाई बाई एक्स का ग्रुप बनाए, जितने भी एक्स वाई का टर्म्स हैं उनको वाई बाई एक्स की टर्म में लाएं, डी वाई बाई ये फॉर्म बनाए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ओ वाई बाई एक्स, तो ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे, और कुछ में हम ये फॉर्म भी लगाते हैं इसको, फिर अगर इधर राइट में एक्स बाई वाई की टर्म्स हैं तो इधर हम डी एक्स बाई डी वाई बनाएंगे। सॉल्व करना थोड़ा सा आसान रहता है, ठीक है, वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन इस फॉर्म में भी कर सकता हूँ, ये फॉर्म है वो इस फॉर्म में आ जाती है, लेकिन कभी कभी मैं इसको सेपरेटली सॉल्व करता हूँ, क्योंकि इसको बना के कभी कभी इंटीग्रल थोड़ा सा टफ बन सकता है, इंटीग्रल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन करोगे भाई, एक्स बाई वाई को क्या रखोगे आप, वी रखोगे, मतलब एक्स इक्वल टू वी वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करो वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा वाई डी एक्स बाई डी वाई, प्रोडक्ट रूल लगाओ राइट में, वी वाई का वाई के रेस्पेक्ट में वन प्लस वाई इंटू वी का वाई के डी वी बाई डी वाई, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, जनरली ये तो दिखी जाती है अधिकतर क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन ये फॉर्म में दिए रहते हैं, और 10% ऐसे भी दे सकता है वो, ये वाले भी इसी में ये वाले भी इससे ही हो जाते हैं मेनली, तो ये इंपॉर्टेंट है पार्ट इसका, और सेपरेट भी कर सकते हैं दो पार्ट करके, ठीक है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले से एक्स बाई वाई आ रहा है तो आप इस लुक में जाओ, अगर एक्स बाई वाई नहीं आ रहा है तो फिर हम यही फॉर्म बनाते हैं ये पहले वाली, ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं फिर सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, मैंने बोला है डायरेक्ट, क्या है होमोजीनियस में क्या होता है कि आपको दिख जाएगा ऊपर ऊपर से डी लेफ्ट में डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर वाले से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, ये कैंसिल करो, और बाकी सारी टर्म कैसी दिखेंगी, या तो कांस्टेंट दिखेंगी कुछ, और जो कांस्टेंट जिसमें नहीं है एक्स और वाई है तो वो अलग अलग नहीं होगा, वाई बाई एक्स के ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे ये क्वेश्चन ही देख लो, तो ये इसको देखो ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स राइट में ले जाता हूं सबको, तो वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, या तो मैं थ्योरेटिकल मेथड से देखो होमोजीनियस है या नहीं, मैंने क्या किया ऊपर से एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है वन बाहर निकालो, और नीचे से एक्स, तो ध्यान से देखो डी वाई बाई डी एक्स ऊपर से एक्स कॉमन ले लो तो क्या आएगा वाई इंटू एक्स और वन प्लस वाई बाई एक्स, और नीचे से एक्स स्क्वायर ही है, एक कैंसिल कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बचा, वाई बाई इधर एक वाई बाई एक्स बनेगा, अरे ये वाई और एक एक्स, ये वाई बाई एक्स बन गया,
और ब्रैकेट में 1 + y/x। तो ये क्या है, यही इसी को तो मैं बोलता हूँ फंक्शन ऑफ y/x। मतलब जहां भी x और y सेपरेट नहीं है, जो ग्रुप में आ जाएंगे, ग्रुप में आ गए, ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, ठीक है, ऐसे नहीं दिखेंगे x+y² इस टाइप से नहीं दिखेगा, ग्रुप में आएंगे सब, पैकेट बन के आएंगे y/x के, ठीक है। तो उसी को हम होमोजीनियस बोलते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें क्या रखना, वाई को वी एक्स रखें, फिर हम सॉल्व करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करना है x dy/dx - y ब्रैकेट इनटू टैन इनवर्स y/x = x। ये गिवन है, x = 1 पर y की वैल्यू 0 है। तो कैसे देखें, देखो यहां से नहीं पता चल रहा है कैसी है, तो मैं क्या करता हूँ पता करने के लिए, करना क्या है, इसको कॉपी किया, पेस्ट, dy/dx निकालो, यहां से dy/dx आ जाएगा x dy/dx - y = x y। ये टैन इनवर्स नीचे आ जाएगा, टैन इनवर्स y/x, और ये जो y है ये राइट में जाएगा, ठीक है। तो x dy/dx x upon tan inverse y/x + y, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं। तो x से डिवाइड करोगे तो dy/dx नीचे 1/x, और यहां पर एलसीएम ले लो, x + y tan inverse y/x और नीचे tan inverse y/x। तो y/x तो ग्रुप में तो आ रहा है, यहाँ पे x ऊपर से क्या करो, x की हाईएस्ट पावर कॉमन निकालो, dy/dx x की हाईएस्ट पावर कॉमन निकालोगे, कैंसिल कर दोगे, तो ऊपर बचेगा क्या, 1 + y/x (tan inverse y/x) / tan inverse y/x। कॉमन निकालते ही x कैंसिल, y और x के ग्रुप बन गए। तो बस समझ लेना, ये ऊपर से x की हाईएस्ट कॉमन निकाल के नीचे से x को देखो, कैंसिल वैंसिल करो जितना होता है, और y/x ये फंक्शन ऑफ y/x, तो समझ लेना डिफरेंशियल इक्वेशन है, y/x को भी रखेंगे, ठीक है। और क्या बनेगा, ये क्या बनेगा राइट में, y/x को जब v रखोगे, 1 + v tan inverse v / tan inverse v, 1 + v tan inverse v / tan inverse v, ठीक है भाई, ऐसे बनेगा। उसने तो डायरेक्ट ही रख दिया, लेकिन हम चेक करके देखेंगे बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आएगा, एक पेज और ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे हम, फिर y की जगह वी एक्स रखेंगे, और इसका डेरिवेटिव आता है dy/dx v + x dv/dx, रख दो ये दोनों चीजें यहाँ पर, तो v + x dv/dx = 1 + v tan inverse v / नीचे भी हमारा क्या था, नीचे वाली टर्म टैन इनवर्स की आती है, ये वाली टैन इनवर्स y/x, तो टैन इनवर्स v, ठीक है। अब v को राइट में ले जाओ, तो ये राइट में जाएगा, ये माइनस
एलसीएम ले लो, टेन इनवर्स वी, 1 प्लस वी टेन इनवर्स वी, माइनस वी टेन इनवर्स वी, कैंसिल। ठीक है, तो हमारा आ गया 1 अपॉन टेन इनवर्स वी। अब ये वी में और एक्स में वेरिएबल सेपरेबल है, लेफ्ट में ये है और राइट में ये है, वी और एक्स में वेरिएबल सेपरेबल है, तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स वी डी वी इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। ये मैंने कि दोनों साइड इंटीग्रल करो प्लस सी कर दो, यही तो बना है ऊपर, यही तो बना है, कहाँ पर बने, ये देखो यहाँ पर ये वाले, फिर टैन इनवर्स का इंटीग्रल इसको उससे निकालेंगे, इसको एक फंक्शन को 1 मानेंगे और 1 इंटू टैन इनवर्स वी, या दूसरा तरीका इसमें वो वाला तरीका लगाएंगे कौन सा, बाई पार्ट्स, इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू टैन इनवर्स वी, या फिर उसको बाई पार्ट्स नहीं लगाना तो टैन इनवर्स वी को आप टी लेके सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। ठीक है, तो टैन इनवर्स वी 1 और 1 हो गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट और 1 को मानेंगे सेकंड, तो टैन इनवर्स वी ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रल वी माइनस, फिर टैन इन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर और 1 का इंटीग्रल वी, ये आ गया राइट में लॉग एक्स प्लस सी। अब इसका इंटीग्रल हो जाएगा नीचे 1 प्लस वी स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव होता है 2, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए और ये आ जाएगा हमारा लॉग में, ठीक है, 1 बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वेयर, बताया ना वो वाला फॉर्मूला, वही ऊपर एफ डैश एक्स और नीचे एफ एक्स और ऊपर डी एक्स, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिया हो एग्जैक्ट, तो आंसर क्या आएगा इस इंटीग्रल का, लॉग एफ एक्स, वही तो किया हमने यहाँ पे, 1 प्लस वी स्क्वेयर, ऊपर इसका डेरिवेटिव 2v बना लिया, 2v बन गया देखो, अब 1 बाई 2 बार नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाया तो लॉग में आंसर आ गया। ठीक है, y की वैल्यू डाल देना, अब यहाँ पे v की वैल्यू डाल देना, इसमें v की वैल्यू रखो, v की वैल्यू क्या रखोगे, y बाई एक्स, और उसके बाद इनिशियल कंडीशन लगा देना, ये x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 0, x इक्वल टू 1 डालना, y 0 डालना, c निकल जाएगा, c वापस रखे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछे उसमें, हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट है हमारा इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। तो जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती हैं लेकिन उनको हम होमोजीनियस बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, और ये देखेंगे, और फिर नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये देखेंगे, ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं इस क्लास में।